ओके, तो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, फेज 3A और फेज 3B। फेज 3A किया जाता है NDA फाइलिंग के पहले, और फेज 3B है जो उसको वैसे भी बोलते हैं लेबल एक्सपांशन। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप चेक कर सपोज कि कोई ड्रग अगेंस्ट कैंसर है, बट अगेंस्ट वो डायबिटीज़ भी काम करता है क्या, या और कौन कौन सी बीमारियों के लिए वो ड्रग यूज़ में आ सकती है, या कौन कौन से अलग अलग पेशेंट्स या डिजीज़ेस में यूज़ की जा सकती है, इसलिए ये ट्रायल्स किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको एडिशनल सेफ्टी डेटा भी जनरेट होता है। तो ये सब डेटा आप उसका क्या करते हो आगे, तो ये सब आपको जब आपको ड्रग उस ड्रग को फाइल करना है किसी कंट्री में, लॉन्च करना है, तो उसको जो क्लेम्स देते हो आप मार्केटिंग क्लेम्स की, या हमारी ये जो ड्रग है इस डिजीजेस में यूज़ होती है, तो ये सपोर्ट करता है ये डेटा मार्केटिंग क्लेम्स के लिए। तो इस तरीके से ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो आप मुझे और बताइए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आप क्या जानते हो।